हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची फेमस जर्सी चिकन। तो जर्सी चिकन बनाने के लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है, जिसे हमने धोकर साफ कर लिया है, और साथ में हमने लिए हैं 4 से 5 टमाटर, जिन्हें हमने हाफ हाफ कर लिया है। हाफ इसलिए किया है इनके छिलके उतारने में आसानी हो। और हमने ली हैं 7 से 8 हरी मिर्च, और 1 चम्मच हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, और हमने थोड़ा सा नमक लिया है। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। चिकन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करेंगे। अब जर्सी चिकन इसको क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि ये इतने कम मसालों के साथ तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो बार बार लोग इसी को मांगते हैं, तो शायद इसलिए इसकी लत लग जाती है, तो इसलिए इसको शायद जर्सी चिकन कहते हैं, ये मेरा ख्याल है। बाकी मुझे नहीं पता कि जर्सी चिकन क्यों कहते हैं, बट ये है कराची फेमस जर्सी चिकन। तो इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह से, मतलब फ्राई कर लेते हैं। चिकन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, और साथ में हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच। और साथ ही इसमें डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर और नमक। अब इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, फिर हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, यही कोई 2 से 3 मिनट। अब हम इसको ढक देते हैं ताकि इसके टमाटर जो हैं वो गल जाएं अच्छी तरह से। टमाटर हमारे गल चुके हैं, हमने चिकन को खोल लिया है, अब हम इसे चलाते हैं। और सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, जो टमाटर के छिलके हैं उनको हम अलग कर देंगे, सारे टमाटर के एक एक करके ये सारे छिलके बाहर निकाल देंगे। इसीलिए हमने इतने बड़े टमाटर डाले थे ताकि इनका छिलका आसानी से हम उतार सकें। सारे छिलके उतर गए हैं टमाटर के, अब हम टमाटर को इस तरीके से मैश कर देंगे, इसकी ग्रेवी बना लेंगे। अब चिकन की हम भुनाई करेंगे, भूनते रहेंगे, बस तब तक भूनेंगे जब तक हमारे सारे टमाटर मैश ना हो जाएं, और ये जो ग्रेवी बनेगी हमारी टमाटर की ही बनेगी, और ये तेल छोड़ने लगेगी तब हमारा ये चिकन तैयार हो जाएगा। तब तक हम इसकी लगातार भुनाई करते रहेंगे। लगभग टमाटर हमारा एकदम मैश हो चुके हैं सारे, ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है, और अभी भी हम इसकी भुनाई कर ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। लगभग चिकन हमारा रेडी होने वाला है, गल भी चुका है ये, क्योंकि हमने इसको थोड़ी देर ढककर पकाया था और फ्राई किया था, तो लगभग ये गल चुका है, और काफ़ी देर से हम इसकी भुनाई भी कर रहे हैं, तो मसाला थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सबसे पहले अपना काली मिर्च पाउडर, वो ऐड करेंगे हम, और साथ ही इसमें डालेंगे हम कटी हुई, बारीक कटी हुई अदरक। अदरक ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, पर यह है अदरक से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद हम इसको बस 1 से 1.5 मिनट तक चलाएंगे, और हमारा चिकन एकदम रेडी है। तो आप लोग को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखें, और आप मुझको कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये जर्सी चिकन की सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी, बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होने वाली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी। तो चलती हूँ मैं, मिलती हूँ कभी अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।